शमा 40 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। ललन टॉप की काफ़ी पुरानी व्यूअर हैं। अब शमा बताती हैं कि वो और उनके पति पिछले 6 सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक कामयाब नहीं हुए। इन 6 सालों में एक बार शमा प्रेग्नेंट हुई थी, पर उनका मिसकैरेज हो गया। शमा की एक फ्रेंड पिछले साल माँ बनी। उन्होंने IVF का सहारा लिया। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आपने कई बार IVF का नाम सुना होगा। 2019 में करीना कपूर, अक्षय कुमार, कियारा अडवाणी और दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी, गुड न्यूज़। इसमें दो कपल्स थे, पहला करीना और अक्षय और दूसरा कपल था कियारा और दिलजीत। दोनों कपल्स बच्चा पैदा करने के लिए IVF का सहारा लेते हैं। अब जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उन्हें इसकी स्टोरी तो पता ही होगी, शायद उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हो कि IVF क्या होता है। इसी IVF के बारे में और जानकारी चाहती हैं हमारी व्यूअर शमा। अपनी फ्रेंड की कामयाब प्रेगनेंसी के बाद शमा ने उनसे IVF एक्सपीरियंस के बारे में बात की। शमा बताती हैं कि वो और उनके हस्बैंड अब IVF का सहारा लेना चाहते हैं, पर उनके मन में कई सारे सवाल हैं। इसमें कितना खर्चा आ सकता है, ये कैसे होगा वगैरह। डॉक्टर के पास जाने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। शमा चाहती हैं कि हम IVF पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, कैसे होता है, ये सब डॉक्टर से बात करके लोगों को बताएं, ताकि जो लोग IVF के बारे में सोच रहे हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि IVF क्या होता है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो ये IVF होता क्या है? बेसिकली IVF एक आधुनिक विधि है जिसमें महिला के अंडों का फर्टिलाइजेशन पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा लैब में कराया जाता है और इससे बनने वाले भ्रूण को वापस महिला के यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया बेसिकली फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया होती है, यह महिला के गर्भाशय से जुड़ी नलिकाओं, जिन्हें कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उनमें होता है। IVF में इसी प्रक्रिया को बाहर लैब में किया जाता है। बेसिकली IVF के 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है महिला के अंडाशयों में अंडों की ग्रोथ, यानी कि जो अंडे हैं उनको हम इंजेक्शन द्वारा ग्रो कराते हैं और उन्हें मैच्योर करते हैं। दूसरा चरण होता है कि जब ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और लैब में पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा इनका फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर तीसरा चरण होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो रेडी होता है, उसको तीसरे दिन या फिर 5वें दिन हम वापस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये 3 चरण होते हैं बेसिकली IVF के। अब हम बात करते हैं कि उन कंडीशंस और प्रॉब्लम्स की, वो समस्याएं जिनमें हमें IVF कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे नंबर 1 है फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो गर्भाशय से जुड़ी नलियां होती हैं उनका बंद होना। नंबर 2, अंडाशयों में अंडों की भारी कमी या उनकी गुणवत्ता में कमी का होना। तीसरा, पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और उनकी संख्या में भारी कमी का होना। और एक और कंडीशन होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कि ऐसे दंपत्ति जो बहुत सालों से निसंतानता से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, और उनमें कोई भी ऐसी जांचों में मेन समस्या का पता नहीं चलता है और उनमें सारे इलाज, सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके होते हैं, ऐसे दंपतियों को भी IVF की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर लोगों के मन में भ्रांति होती है कि IVF एक रिस्की प्रोसीजर है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि IVF एक सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें ऐसा कोई रिस्की प्रोसीजर नहीं शामिल किया होता है। बेसिकली इसमें हार्मोन्स लगाए जाते हैं अंडों को बनाने के लिए, और ये हार्मोन्स बॉडी हार्मोन्स होते हैं जो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा समय तक बॉडी में नहीं रहते हैं, ये बॉडी से वॉश हो जाते हैं, तो इनका कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा होता है कि अंडाशयों से अंडों को निकालने की प्रक्रिया, जो कि हल्की बेहोशी में किया जाता है और ये बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया होती है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता है।
तो और एक और लोगों के मन में शक होता है कि जो IVF से बच्चे होते हैं उनमें आनुवंशिक बीमारी होने का रिस्क बढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। जो IVF के बच्चे हैं वो आम बच्चों की तरह ही होते हैं, उनमें आनुवंशिक बीमारी का रिस्क उतना ही होता है जो एक आम पॉपुलेशन के बच्चों को होता है, आम पॉपुलेशन की गर्भावस्था वाली महिलाओं को एक आनुवंशिक बच्चे को जन्म देने का रिस्क होता है, उतना ही होता है। IVF से ये रिस्क नहीं बढ़ता है। क्या ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है? जी, मैं आपको बताऊंगी कि ये IVF कॉस्टली प्रोसीजर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आप अफोर्ड ना कर सकें। अमूमन तौर पर जो खर्च आता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट को एक साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी पेशेंट को दो या उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग उनकी सिचुएशन पे। किसी पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है जो IVF में एड ऑन करने पड़ सकते हैं। तो ये खर्च शुरू होता है 1 लाख से लेके 1.5-2, और जिस हिसाब से जो पेशेंट होता है उसमें ये अधिक भी जा सकता है। IVF सेंटर के चयन से पहले 2-3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आप जिस भी IVF सेंटर से अपना IVF इलाज लेना चाहते हैं वहाँ के डॉक्टर्स का क्या एक्सपीरियंस है, उनका उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, और वहाँ पे जो लैब लगी है क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, तीसरा वहाँ का सक्सेस रेट कैसा है। तो ये कई सारी मुख्य बातें हैं जिनके बेसिस पे आप अपने IVF सेंटर का चयन कर सकते हैं। उम्मीद है जो भी लोग IVF के बारे में जानकारी चाह रहे हैं उन्हें डॉक्टर शिप्रा की बताई गई बातों से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि IVF थोड़ा खर्चीला प्रोसीजर है, इसलिए अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जिस सेंटर या फिर क्लिनिक में आप IVF करवा रहे हैं उसका सक्सेस रेट क्या है। पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद ही IVF सेंटर का चयन करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें सेहत पर बहुत सारे ऐसे लोगों के मेल्स आते रहते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स का इलाज जानना चाहते हैं। अव्वल तो उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स आए कहाँ से हैं, शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ जाते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाएं। ये हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। पहला कारण, स्किन के ज़्यादा खिंचने के कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। यानी जब स्किन स्ट्रेच होती है तब केवल ऊपर की चमड़ी स्ट्रेच नहीं होती, उसके नीचे जो कोलेजन यानी स्किन के अंदर बनने वाला जो प्रोटीन है और इलास्टिक बंडल होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं। अगर कोलेजन और इलास्टिक बंडल ज़्यादा ही स्ट्रेच हो जाएं तो वो टूट जाते हैं, जिसके कारण स्किन के अंदर एक स्कार बन जाता है। इन मार्क्स का डायरेक्शन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसा अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। दूसरा कारण है प्यूबर्टी यानी कि किशोर अवस्था। इस दौरान अगर किसी की हाइट बढ़ती है और ज़्यादा बढ़ती है तो भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। तीसरा कारण है, अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर देते हैं तो स्किन का सपोर्ट सिस्टम चला जाता है फैट कम होने की वजह से, इसे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। कुछ और कारण भी हैं, जैसे आप जिम जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं पर आपकी मांसपेशियों को अभी तक इतना भार उठाने की आदत नहीं हुई है, इस केस में स्किन के अंदर मौजूद इलास्टिक फाइबर फट जाते हैं और स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। स्टेरॉइड क्रीम्स इस्तेमाल करने से भी ऐसा होता है। अब आते हैं इलाज पर। स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए कुछ कॉस्मेटिक इलाज उपलब्ध है। इनके लिए आपको एक स्किन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ PRP, फ्रैक्शनल लेजर, फ्रैक्शनल अर्बियम लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड और माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी के इलाज से किया जाता है। इनसे स्किन में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन कारण स्किन पर जो घाव होता है उसके आसपास नया कोलेजन बनता है। नया कोलेजन बनने का मतलब है स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं, समझे? पर ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको किसी अच्छी क्लिनिक जाकर के ही कराने चाहिए। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे असली साबूदाने की पहचान कैसे करें। साबूदाना, इसे लोग व्रत में तो खूब खाते ही हैं, नाश्ते में भी खूब पसंद किया जाता है, पर आप जो साबूदाना खा रहे हैं क्या वो असली है? दरअसल आजकल बाजार में मिलावटी साबूदाना बहुत ज्यादा मिल रहा है जो कि केमिकल से बना होता है। इन मिलावटी साबूदाने में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग एजेंट, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने हमें असली और नकली साबूदाने पहचानने के तरीके बताए।
पहला तरीका है च्यू टेस्ट। थोड़ा सा साबुदाना लें और इसे मुंह में रख लें, कुछ देर तक चबाएं। अगर ये आपको किरकिरा महसूस होता है तो ये मिलावटी है। नेचुरल साबुदाने को कुछ देर चबाने के बाद उसमें से स्टार्च निकलेगा और वो दांत के साथ थोड़ा चिपचिपा सा लग सकता है। साबुदाने को जलाकर देखने से भी मिलावट का पता चल जाता है। थोड़े से साबुदाने लें और आग में डालें। अगर ये फूलते हैं तो ये शुद्ध हैं और अगर नहीं तो इनमें मिलावट है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।